फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है टू इपिक शीट। दोस्तों इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। दोस्तों डू इपिक शीट का सरल शब्दों का मतलब है कुछ हट कर करो, भीड़ से अलग सोचो। अलग सोचने से आप न केवल पर्सनल ग्रोथ कर पाओगे बल्कि प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और सोशल सभी क्षेत्रों में सफल बनोगे। इससे आप इतना कुछ अचीव कर लोगे कि दुनिया आपको याद रखेगी। लेकिन आप दुनिया से अलग कैसे कर सकते हो, यानी इपिक चीज कैसे बना सकते हो, यही सब आगे लेसन में बताया गया है। चैप्टर वन, लेखक कहते हैं कि कई बार पैशन होता नहीं है बल्कि ग्रो किया जाता है। बहुत हद तक यह सही भी है। जैसे बहुत से लोग स्विमिंग नहीं जानते, इसलिए वे उसके बारे में ज्यादा पैशन नहीं रखते। लेकिन अगर वो एक बार सीख जाएं, तो हो सकता है उनके लिए पैशन बन जाए। ऐसा होने से वे स्विमिंग में और भी ज्यादा महारत हासिल कर सकते हैं और नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो भी स्किल आपने सीखी है, अगर वह बोरिंग भी है तो भी आप उसे पैशन बनाकर ग्रो कीजिए। इससे आप उसे और भी अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो। आप उस स्किल से प्यार कीजिए, इससे आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरों की देखा देखी कुछ भी मत कीजिए, इससे आप कॉपीकैट ज्यादा लगेंगे। चैप्टर नंबर टू, एक लीडर की तरह सोचना सीखिए। सारी जिंदगी लोग दूसरों को ही लीडर मानते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे ऑर्डर दूसरे देंगे वे वैसे ही उन्हें मान लेंगे। लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट बदलना होगा और लीडर का माइंडसेट अपनाना होगा, नहीं तो ऑर्डिनरी ही बनकर रह जाएंगे। लेकिन लीडर बनने के चक्कर में डायरेक्टर ही न बन जाए। अच्छा लीडर पहले खुद स्टैंड लेता है, हर चीज में हाथ डालता है, बहादुरी दिखाता है, तभी उसे जनता का समर्थन मिलता है। उसमें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति होती है और अन्याय के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत भी। लीडरशिप की क्वालिटी हर क्षेत्र में काम आती है, इसीलिए एम्पैथी यानी दूसरों की पीड़ा की समझ डेवलप कीजिए। लोग आपका दिल से सम्मान करेंगे। चैप्टर नंबर थ्री, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु होना पड़ेगा। बचपन में हर कोई क्यूरियस होता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपना वो ट्रेड खो देते हैं। हम जॉब में फंस जाते हैं और सिर्फ दूसरों के ऑर्डर के मुताबिक काम करते रहते हैं। इससे लाइफ बेहद बोरिंग होकर रह जाती है। लेकिन अगर आप बड़े होकर भी क्यूरियस बने रहेंगे तो आपको नए नए आइडिया आते रहेंगे। किसी नए आइडिया से आप अपना कोई स्टार्टअप या कंपनी शुरू कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैप्टर नंबर फोर, कई बार हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन उसे टालते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं लेकिन कभी इसके लिए जरूरी कदम ही नहीं उठाते, बस बहाने देते रहते हैं। बहुत से लोग जॉब का बहाना देते रहेंगे, लेकिन अगर कोई चाहे तो जॉब के साथ साथ भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ लोग ब्लॉग तो लगाना चाहते हैं लेकिन सोचते रह जाते हैं। इसलिए आप सोचिए कम और करिए ज्यादा, एकदम से एक्शन लेने की आदत डालिए। शुरू में काम परफेक्ट नहीं होगा लेकिन आप धीरे धीरे उसमें सुधार ला सकते हैं। चैप्टर नंबर फाइव, आजकल लोग रेट रेस में फंसे जा रहे हैं। सबको एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई। अगर एक आदमी किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहा है तो दूसरे के दिमाग में खलबली मच जाती है। वह सोचता है कि मैं पीछे कैसे रह गया, और वह भी आगे ऐसे ऐसे सेमिनार आदि में जाने लगता है। वह ये नहीं सोचता कि क्या सच में उसे इसकी जरूरत भी है या नहीं, क्या ये उन्हें खुशी देता भी है या नहीं। जबरदस्ती किया जा रहा है, इसलिए खुद को दूसरे से कंपेयर करना बंद कीजिए। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, आप बस अपना पैशन ढूंढिए और उसी को फॉलो कीजिए, यही सिद्धांत फेमस कीजिए। चैप्टर नंबर सिक्स, दोस्तों अगर आपको कोई भी रिलेशन सही रखना है तो यह तीन रूल याद रखें। पहला, हर किसी की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना हो या बेगाना। दूसरा, सबसे एम्पैथी रखें, इसका मतलब है दूसरों के दर्द को समझना। बहुत से लोग स्वार्थी हो जाते हैं, उन्हें बस अपनी अपनी पड़ी होती है। अगर आप सबका हित सोचेंगे तो वे लोग हमेशा आपका दिल से सम्मान करेंगे और ये चीज आपकी सफलता के रास्ते में भी काम आएगी, कहीं ना कहीं से आप तक भी हेल्प आ जाती है। तीसरा, सिंपति यानी सहानुभूति देना। अगर कोई दिक्कत में या प्रॉब्लम में है तो उनके सुने और उन्हें सहानुभूति दे। बहुत बार लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो हम उन्हें मजाक में उड़ा देते हैं, इससे दूसरे आदमी को और ज्यादा हर्ट होता है, फिर वे कभी आपका सम्मान भी नहीं करते।
इसलिए सबको उचित सलाह दें या हेल्प करें। चैप्टर नंबर 7, जिंदगी में हमें बड़ा बनने में सफलता का इतना रोल नहीं होता जितना कि फेलियर का। लोगों को लगता है कि सक्सेस ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें पता चलता है कि हमने कौन कौन सी गलतियां की हैं और उन्हें दोबारा करने से बचते हैं। साथ ही हमें फेलियर से दर्द होता है, इससे भी हम साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होते हैं। हम सीखते हैं कि दर्द से कैसे उबरना है और हम बाउंसिंग बैक करना सीख जाते हैं। फिर फ्यूचर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए फेल होने से कभी मत डरिए। जो कभी फेल नहीं हुआ है, इसका मतलब है उसने कुछ नया ट्राई भी नहीं किया। चैप्टर नंबर 8, लेखक कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको गोल ही नहीं बल्कि हैबिट बनानी चाहिए। आपको एक ही काम लगातार सालों तक करते चले जाना चाहिए। जैसे अगर कोई राइटर बनना चाहता है तो रोज लिखे, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सालों के बाद उसकी हजारों रचनाओं में अगर 100 भी अच्छी होगी तो वे उसे महान लेखक बना देंगे। ऐसा हर काम के लिए कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाइक है।